हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल आरके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एक अप्रूव्ड कॉलोनी। तो दोस्तों, ये अप्रूव्ड कॉलोनी कहाँ पर है, यहाँ पर किस रेट में आपको यहाँ पर प्लॉट्स अवेलेबल मिलेंगे, एंड दोस्तों इसी कॉलोनी में आपको यहाँ पर न्यू हाउस भी अवेलेबल मिलेंगे। तो दोस्तों, उनका साइज क्या रहेगा और उनका प्राइस यहाँ पर क्या रहेगा, तो दोस्तों ये सारी बातें करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखते रहे इस वीडियो को आखिरी तक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो हमारी कॉलोनी है ये अप्रूव्ड कॉलोनी है, यूआईटी द्वारा ही आपको अप्रूव्ड कॉलोनी मिलेगी। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स में रजिस्ट्री और पट्टा अवेलेबल मिल जाएगा। काफी अच्छी कॉलोनी है, काफी बड़ी साइज में आपको दोस्तों कॉलोनी मिलेगी। यहाँ पर आपको 30 फीट चौड़े आरसीसी वाले रोड अवेलेबल मिल जाएंगे, 40 फीट चौड़े रोड आरसीसी वाले अवेलेबल मिल जाएंगे इस कॉलोनी के अंदर। आपको यहाँ पर दुकान वगैरह यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगी, बच्चों के लिए पार्क अवेलेबल मिल जाएगा, वाटर टैंक का भी यहाँ पर सप्लाई है, मतलब कि आपको हाउस के लिए भी यहाँ पर जो पानी की जो सुविधा है वो भी अवेलेबल मिल जाएगी, जो डायरेक्ट पाइपलाइन से आपको सप्लाई मिलेगी। और एंड दोस्तों, आप चाहो तो आप हाउस के अंदर बोरवेल कनेक्शन भी अलग से करवा सकते हैं। तो दोस्तों काफी अच्छी कॉलोनी है, यहाँ पर आपको सीसी रोड मिल रहे हैं, जो हाउस है वहां पर हाउस के बाहर आपको यहाँ पर नालियां वगैरह भी कम्प्लीटली बनी हुई अवेलेबल मिलेगी। तो दोस्तों ये कॉलोनी का यहाँ पर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आइए चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर कॉलोनी का वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बाकी की डिटेल्स इसमें बताता हूँ। तो दोस्तों आइए चलते हैं सबसे पहले यहाँ पर कॉलोनी का वीडियो देख लेते हैं। हाँ, तो दोस्तों ये हमारी वो प्लानिंग, इस कॉलोनी का नाम है स्वराज इनक्लेव। यहाँ पर आप देख सकते हो न्यू हाउस का यहाँ पर काम स्टार्ट है। कॉलम बेस पर आपको यहाँ पर न्यू हाउस बने हुए मिलेंगे। यहाँ पर कॉलोनी में आप देख सकते हो आपको बिजली की सुविधा आपको अवेलेबल मिल जाएगी, बिजली के पोल यहाँ पर कम्प्लीटली लग चुके हैं। कॉलोनी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो 30 फीट चौड़ा आपको आरसीसी से रोड बना हुआ मिल जाएगा। सामने की लाइन में आप देख सकते हो आपको 40 फीट चौड़ा आपको आरसीसी वाला रोड मिल जाएगा। कॉलम बेस पर हमारे हाउस यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उनके अंदर लगा हुआ मटेरियल है, यहाँ पर आप देख सकते हो साइज़ है उनका यहाँ पर 25x40। ये देख सकते हो दोस्तों रोड भी आपको यहाँ पर 30 फीट चौड़ा मिल रहा है। बिजली का सारा यहाँ पर आपको कनेक्शन अवेलेबल मिल रहा है। हाउस के बाहर आप यहाँ पर नालियाँ भी बनी हुई देख सकते हो दोस्तों। एंड दोस्तों हाउस के जस्ट बाहर आप यहाँ पर पानी की सुविधा भी देख सकते हो, पीवीसी पाइप आप यहाँ पर निकले हुए देख सकते हो। हर एक प्लॉट और हर एक हाउस के बाहर आपको पीवीसी पाइप लगे हुए मिल जाएंगे। एंड दोस्तों देख सकते हो पूरी की पूरी अप्रूव्ड कॉलोनी है। इस कॉलोनी के पास में भी आपको बसावट देखने को मिल जाएगी और दूसरी कॉलोनियाँ हैं, लोग वगैरह यहाँ पर रह रहे हैं। आसपास भी कई सारे आपको न्यू हाउस बने हुए मिल जाएंगे। हर प्लॉट के बाहर आपको यहाँ पर देख सकते हो पानी का कनेक्शन है, पानी के पाइप लगे हुए मिल जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों। नीचे की तरफ आपको यहाँ पर हरे रंग के पीवीसी पाइप लगे हुए मिल जाएंगे। जो हाउस है वो यहाँ पर अभी न्यू बनाए जा रहे हैं, कॉलम बेस के ऊपर हाउस बनाए जा रहे हैं। 30 फीट और 40 फीट चौड़े रोड है, सारी फैसिलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे अच्छी बात है दोस्तों, 2 किलोमीटर की दूरी पर आपको मेन मार्केट मिल जाएगा, रेलवे स्टेशन मिल जाएगा, जो भी मैं आपको थोड़ा आगे की वीडियो में दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये कॉलोनी, जिसके अंदर आप देख सकते हो सीसी रोड बना हुआ है पूरा का पूरा, यहाँ पर देख सकते हो, और पूरा यहाँ पर 30 फीट चौड़ा है। यहाँ पर बिजली की सुविधा भी देख सकते हो, पूरे कनेक्शन लगे हुए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो लाइट का जो तार वगैरह का कनेक्शन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर न्यू हाउस बनाकर भी सेल किए जा रहे हैं और यहाँ पर प्लॉट्स भी अवेलेबल हैं। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपको कैसा यहाँ पर हाउस चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो न्यू हाउस बन रहे हैं सेल होने के लिए, उनके अंदर किस तरीके का यहाँ पर मटेरियल यूज़ किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये हमारे वो हाउस जो यहाँ पर बन रहे हैं, कॉलम यहाँ पर देख सकते हो, कुर्सी लेवल आप यहाँ पर देख सकते हो, जो पाइप वगैरह यहाँ पर लगे हुए हैं, और जो हमारे कॉलम है वो नीम से यहाँ पर आपको कॉलम बने हुए मिल जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 70 से 80% यहाँ पर हाउस का काम हो चुका है। जैसे ही ये हाउस कंप्लीट होंगे मैं इनकी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड दोस्तों ये हमारी कॉलोनी, ये इसका मेन रोड है, इससे जस्ट बाहर आते हैं दोस्तों ये हमारा केनाल वाला रोड जो मेन मार्केट की तरफ जाता है। इस रोड से सामने की तरफ मैं आपको बता दूँ ये हमारा सोगरिया रेलवे स्टेशन। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी कॉलोनी है उससे जस्ट सामने की तरफ आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर सोगरिया रेलवे स्टेशन मिल जाएगा। अगर आप रेलवे अधिकारी हैं तो आपको पास ही में रेलवे स्टेशन मिल जाएगा।
एंड दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो आसपास का काफ़ी ज़्यादा एरिया आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो ब्लू जो आपको यहाँ पर चद्दर वगैरह देखने को मिल रही है, पूरा का पूरा सोगरे रेलवे स्टेशन का एरिया है। एंड दोस्तों जो हमारी कॉलोनी है वो कॉलोनी में आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर जो हम यहाँ पर हैं, ये हमारा मेन रोड केनाल वाला रोड, ये रोड है रोटेदार रोड। जो हमारी प्लानिंग है वो है स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर रोटेदार रोड सोराज इनक्लेव, ये हमारा मेन रोड रहेगा दोस्तों। और ये जो आप लेफ्ट साइड में डांबर रोड देख रहे हो, इसके अंदर जैसे आप एंट्री करते हो सामने की तरफ हमारी स्वराज इनक्लेव आपको प्लानिंग देखने को मिल जाएगी। ये मेन रोड है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मेन मार्केट। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझने में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको इस प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर आप मेरे मोबाइल नंबर देख सकते हो, यहाँ पर आप मुझे कॉल कर इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। एंड दोस्तों इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर भी इस प्लानिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हाँ तो दोस्तों आपने वीडियो देख लिया है कॉलोनी का। अभी कॉलोनी जस्ट दिवाली पर लॉन्च हुई है और लॉन्च होने के बाद ही आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर काम हो चुका है। यहाँ पर सर जो रोड वगैरह है वो भी कम्प्लीटली बन चुके हैं, नालियाँ वगैरह कम्प्लीटली बन चुके हैं। 50% इस कॉलोनी के अंदर प्लॉट हैं जो सेल हो चुके हैं। कुछ प्लॉट्स पर जो ये प्लानिंग है वहां पर आपको न्यू हाउस भी बनाकर दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर ली जाए कि आपको यहाँ पर किस प्राइस में प्लॉट्स अवेलेबल मिल रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो अप्रूव्ड कॉलोनी है, यूआईटी वाली अप्रूव्ड कॉलोनी है, रजिस्ट्री पट्टा आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्क्वायर फीट प्राइस रखी गई है वो यहाँ पर है 1500 रुपये। जी हाँ दोस्तों, अब वो किस तरीके से मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर 25x40 का 1000 स्क्वायर फीट वाला एक प्लॉट यहाँ पर परचेस करते हैं तो 1500 रुपये स्क्वायर फीट को आपको 1000 स्क्वायर फीट से मल्टीप्लाई कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधी रकम निकल के आती है मात्र 15 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, आपको 15 लाख रुपये में अप्रूव्ड कॉलोनी का एक रजिस्ट्री पट्टे वाला आपको प्लॉट अवेलेबल मिल जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई बात प्लॉट की। अब दोस्तों बात करी जाए इसी कॉलोनी में जिनकी ये प्लानिंग है वो यहाँ पर कुछ न्यू हाउस भी बनवा रहे हैं, ताकि जो लोग डायरेक्टली हाउस परचेस करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट यहाँ पर हाउस ही परचेस कर सके। तो दोस्तों अभी जो स्टार्टिंग वहां पर साइज रखी गई है हाउस की वो यहाँ पर है 25x40, जो कि यहाँ पर आपको हाउस मिलेंगे डबल स्टोरी में। एंड दोस्तों अप्रूव्ड कॉलोनी है। इसके अलावा दोस्तों बात करी जाए 1000 स्क्वायर फीट का आपको काफी बड़ी साइज का यहाँ पर आपको हाउस न्यू बना हुआ अवेलेबल मिल जाएगा। एंड दोस्तों डॉक्यूमेंट्स में आपको रजिस्ट्री पट्टा मिल जाएगा। लोन की बात करी जाए तो लोन आपको ऑल बैंक से मिल जाएगा, जैसे जिस बैंक से आप लेना चाहें, जैसे कि प्राइवेट बैंक, गवर्नमेंट बैंक, सभी बैंक से आपको अप्रूव्ड कॉलोनी के ऊपर लोन अवेलेबल मिल जाएगा। एंड दोस्तों अगर आप चाहते हैं इस कॉलोनी के अंदर न्यू प्लॉट लेना तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर आप डायरेक्टली हाउस परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग अभी प्राइस चल रही है हाउस की वो है मात्र 35 लाख रुपए। जी हाँ दोस्तों, 35 लाख रुपए में आपको 25x40 का 1000 स्क्वायर फीट वाला आपको हाउस बनाकर देंगे, वो भी डबल स्टोरी में। जो ऊपर का स्क्वायर फीट है वो इसमें अलग से रहेगा। और दोस्तों आप यहाँ पर देख लिया आपने वीडियो में, हाउस यहाँ पर और भी बनाए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने खुद के प्लॉट परचेस कर वो अपने हिसाब से यहाँ पर हाउस बना रहे हैं। एंड दोस्तों यहाँ पर कुछ प्लॉट यहाँ पर जो इनकी प्लानिंग है ये खुद ही उसके ऊपर हाउस आपको बनाकर दे रहे हैं। सारे हाउस आपको यहाँ पर कॉलम बेस पे मिलेंगे। यहाँ पर मटेरियल वगैरह भी आप देख सकते हो, आपको अच्छा मटेरियल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि आपको यहाँ पर प्लॉट लेना है तो उससे रिलेटेड भी आप प्लॉट यहाँ पर ले सकते हो। और जो आने वाले यहाँ इसी कॉलोनी के जो मैं वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा जब हाउस कंप्लीट हो जाएंगे, तो उससे पहले हाउस में किस टाइप का यहाँ पर मटेरियल लगा था, किस टाइप से हाउस बनाए गए थे, तो वो भी आइडिया आपको यहाँ पर हो जाएगा, जिसमें आपने देख लिया कि यहाँ पर कॉलम वगैरह और काफी अच्छा मटेरियल यहाँ पर यूज किया गया है। कॉलोनी का और भी एरिया आपने यहाँ पर देख लिया है। जल्दी दोस्तों जैसे ही इस कॉलोनी के यहाँ पर जो हाउस है ये कंप्लीट हो जाएंगे तो इनके अंदर की वीडियो,
इनके बाहर लुक का जो फ्रंट लुक है, अंदर आपको इनके अंदर क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी, वो सारी डिटेल्स भी मैं आपको जल्दी आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस बेल के आइकन पर क्लिक कर लें ताकि न्यू हाउस और न्यू प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ वो वीडियो यहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाए और आप हमारी हमारी इस वीडियो के माध्यम से एक अच्छी प्रॉपर्टी यहाँ पर परचेस कर सकें। एंड दोस्तों अगर आप भी अपनी हाउस से या प्लॉट्स वगैरह सेल करवाना चाहते हैं तो दोस्तों उससे रिलेटेड भी यहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स यहाँ पर मुझे भेज सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी की कुछ इसी तरह की वीडियो बनाकर उसे जल्द से जल्द एक अच्छी प्राइस में यहाँ पर सेल करवा दूंगा। एंड दोस्तों हमारे पास सभी साइज के यहाँ पर प्लॉट्स अभी अवेलेबल हैं, जिनकी स्टार्टिंग यहाँ पर साइज है 12.5x40, 20x30, 25x40, 25x50 और 30x60 तक की साइज के हमारे पास न्यू हाउस और प्लॉट्स अवेलेबल हैं। एंड दोस्तों जो इनकी स्टार्टिंग प्राइस है हमारे पास न्यू हाउस की वो है यहाँ पर 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 60 लाख और 1 करोड़ तक की प्राइस के हमारे पास न्यू हाउस यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपको किस एरिया में और किस कॉलोनी में आपको हाउस चाहिए, उसके बाद ही उसकी यहाँ पर प्राइस बताई जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो में अच्छे से समझने में आ गया होगा। दोस्तों मिलते हैं इसी प्लानिंग की और न्यू हाउस वाली वीडियोस के साथ, जिसमें मैं आपको अंदर से बताऊंगा कि जस्ट ये हाउस अब कंप्लीट हो चुके हैं कि हम अंदर से आपको कैसा देखने को मिलेगा, बाहरी फ्रंट लुक कैसा रहेगा और क्या क्या फैसिलिटी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में और न्यू हाउस प्लानिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।